गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआ के साथ। और मुझे उम्मीद है आप लोग जहां कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें और अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। और जिस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अम्मी की जो आंख का हुई है, छोटी सी सर्जरी हुई है और मोती अम्मी का जो आंख का वो उतर आया था, तो जिसकी वजह से अम्मी को जी करवाना पड़ा था और करवाना पड़ता है क्योंकि फिर नजर बिल्कुल नहीं आता। और जो राइट साइड वाली आंख है उसका थोड़ा सा इश्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अम्मी बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रो करवाती हूँ आपसे अम्मी का। और अभी अम्मी कैसा फील कर रही है, कैसा लगा, कैसा था ऑपरेट, जो सर्जरी थी छोटी सी कैसी थी? सर्जरी थी लेकिन इतनी वो मुश्किल वाली नहीं थी। और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा, यानी अम्मी का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा और अम्मी बड़ा खुश थी कि अम्मी जितनी डरी हुई थी उतनी अम्मी रिलैक्स हो गई थी जब अम्मी घर पे आई थी। और एक दिन उन्होंने रखी थी आंख पे पट्टी, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने जी रिमूव कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अम्मी बहुत अच्छा फील कर रही है जैसे कि आपके सामने। तो मैंने इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना था और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ और थोड़ा सा वो बस आपको जी इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा रहा। वरना नॉर्मली क्या करते हैं लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान और उनको लगता है कि पाकिस्तान जाके जो चीज़ है ना आपकी अच्छे तरीके से होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। डॉक्टर वाइज बहुत अच्छे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है बड़ी अच्छे तरीके से की जाती है और बड़े सिक्योर तरीके से की जाती है और पेशेंट जो है ना आपके सामने मौजूद और हैप्पी हैप्पी है। और अभी उन्होंने जी ग्लासेस वगैरह उन्होंने लगाने के लिए बोला और उन्होंने कहा कि आपने ग्लासेस तकरीबन 2 हफ्ते तक नहीं उतारनी। इस तरह टीवी देखें कुछ भी देखना आप करें, लेकिन आपने जी ग्लासेस जो इस तरह है ना आपने पहन के रखनी है। तो जी दिखाती हूँ बाकी की वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड। ओके जी, तो जैसे कि आपने देखा अम्मी बड़ी खुश थी और एक्सपीरियंस अम्मी का यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। वरना अम्मी छोटी सी छोटी कोई बात होती थी ऐसी अम्मी पाकिस्तान भाग जाती थी। अभी तो ये थोड़ा सा ही कोरोना की वजह से ये जो पाकिस्तान जाने के जो हिसाब किताब है ना सबके थोड़े से ना डिफरेंट हुए हैं। और कोई अगर जाते भी हैं तो काफ़ी कम टाइम के लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता है ऐसी जब चीज़ें आपने मेडिकली कोई करवानी हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ठीक हो गया था। वो उनको जैसे जैसे ठीक लगता है वो वैसे वैसे बुलाते रहते हैं यहाँ पर, तो फिर बिल्कुल आप इजी पीजी रहते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ आपने करवाई हो तो फिर उसके लिए जी आपको वहाँ पर काफ़ी टाइम रहना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है हर मेडिकल सिचुएशन में आपको जी हर महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी जाती है, हर कोई दूसरे तीसरे महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो और जी हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं हमारे लिए नहीं पॉसिबल होता बार बार पाकिस्तान आना जाना। और जी यहाँ पर अम्मी की उसी दिन हुई थी छोटी सी आई सर्जरी, और कहने को तो छोटी है लेकिन जिसकी होती है उसको पता होता है वो किस कंडीशन से उस टाइम गुजर रहा है। और अम्मी बहुत सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि ये अम्मी का फर्स्ट टाइम था कि अम्मी ऐसा कुछ यहाँ से करवा रही थी। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं अम्मी का यहाँ पर हो चुका था आई सर्जरी का जो प्रोसेस था वो डन हो चुका था। और यहाँ पर जी अम्मी को बस कुछ घंटे रखा था और कुछ ही घंटों बाद अम्मी को वापस डिस्चार्ज कर दिया गया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही अम्मी की जो ये बैंडेज थी ना वो रिमूव कर दी गई थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ काफ़ी स्मूथ रही, अम्मी काफ़ी खुश थी। और जब आपको जी कोई मसला और वो आपका जो मसला है ना अगर सॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से सॉल्व हो तो कौन खुश नहीं होता। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ चिकन और पालक, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है क्योंकि अम्मी को कुकिंग से भी उन्होंने मना किया हुआ है। जो उनकी कंडीशन होती है आपको वो अप्लाई करनी पड़ती हैं क्योंकि धूप में जाने से मना किया गया है, कुकिंग करने से मना किया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको जी आंख पे डायरेक्ट आपके हीटअप आए या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए आपकी आंख की जिसका जी ऑपरेट हुआ है, ये छोटी सी सर्जरी हुई है, तो उन सब चीज़ों से जी आपने करना ग्रेज जो जो डॉक्टर्स कहेंगे ताकि जल्द अज जल्द आप जी सेहतयाब हो और वापस अपनी जो बैक टू रूटीन है ना उसकी उस लाइफ में आए इंशाल्लाह। और जी आप सबसे यहाँ पर बात करते करते जो मेरी यहाँ पर रेसिपी है चिकन पालक की वो तकरीबन हो चुकी है रेडी, हाफ डन हो चुकी है। और यहाँ पर जो चिकन है मैं अभी बस उसका कौरमा सा बना रही हूँ ताकि इसको मैं मिक्स कर लूँगी बाद में पालक के साथ। और यहाँ पर मसाले बहुत ही सिंपल से हैं, और लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली थी, धनिया पाउडर था और जी दालचीनी का पाउडर था, नमक, और बाद में जो आपने मज़ीद लाल मिर्च डालनी है वो अपने हिसाब से डालनी है नमक और लाल मिर्च। और जैसे कि आपने देखा पहले मैंने पालक को थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद मैंने जी इस तरह ग्राइंड कर ली थी थोड़ी सी पालक, और उसके बाद थोड़ा सा आपने लेना है ऑयल, उसके अंदर आपने डालना है प्याज, और प्याज के अंदर आपने जी पालक डाल के थोड़ा सा ना इसको पकाना है। और जो चिकन का सालन आपने बनाया होगा उसमें आपने जी ये जो बैटर है प्याज और पालक का ये आपने इसमें शामिल कर देना है। और जी इसको तब तक पकाते रहना है जब तक
तक कि इसका जो पानी है पालक का ये खुश्क ना हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था दूध। दूध से क्या होता है जो पालक का एक डिफरेंट सा जायका होता है, दूध से क्या होता है वो चेंज हो जाता है, बड़े मज़ेदार सी हो जाती है, क्रीमी क्रीमी सी हो जाती है। और यहाँ पर जी मैं इसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ, और इन्जॉय करें एंड पे इस पर गर्म मसाला डालकर, और नान के साथ इन्जॉय करें, चावल के साथ इन्जॉय करें, रोटी के साथ इन्जॉय करें। ये पालक और चिकन का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको जी तंदूरी रोटी हो, नान हो, घर की रोटी हो या चावल हो, और तड़के वाले चावल बड़े मज़े के लगते हैं ऐसे सालन के साथ। और मेरे तो वो मोस्ट फेवरेट होता है तड़के वाले चावल और चिकन पालक, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है। और जी डिनर बड़े मज़े का रहा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं आ चुकी थी वापस घर, और जो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी वो भी आ गई थी, और हम लोग यहाँ पर जी गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं और साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। और जी वो नन्ना मुन्ना सा छोटू भी आया हुआ है यहाँ पर, और हानिया भी इन्जॉय करी आइसक्रीम। तो जी इसी के साथ मैं करती अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपके मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इससे हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोस में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज़।